नमस्कार। 19वीं शताब्दी का सुधार आंदोलन केवल धर्म तक ही सीमित नहीं था, बल्कि धर्म से भी ज्यादा प्रभाव इसका सामाजिक क्षेत्र पर पड़ा। 18वीं और 19वीं शताब्दी का जो भारतीय समाज था, उसमें बहुत से कुप्रथाएं यानी अमानवीय कुप्रथाएं समाज में व्याप्त थी, और अधिकतर कुप्रथाएं महिलाओं से संबंधित थी, जैसा कि हम आगे देखेंगे, जैसे सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, स्त्रियों को शिक्षा से रोका जाना, तमाम कुप्रथाएं थी। उच्च और निचले वर्गों में काफी भेदभाव था। भारतीय समाज में बहुत सारी कमियां थी, और जब भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना हुई तो अंग्रेजी राज की स्थापना ने भारतीय समाज की इन कमियों को उजागर कर दिया। सवाल उठने लगा कि वास्तव में भारत पर अंग्रेजी राज की स्थापना का प्रमुख कारण क्या था। उत्तर मिला कि भारतीय समाज में जो ढोंग और खोखलापन है और जो कमजोरियां हैं हमारे समाज की, उसी के परिणाम स्वरूप भारत पर अंग्रेजों का अधिकार हो सका। भारत पर अंग्रेजी राज की स्थापना के साथ साथ पाश्चात्य संस्कृति और शिक्षा भी भारत में आई। पाश्चात्य संस्कृति और शिक्षा के संपर्क में आने से भारतीयों में धीरे धीरे जागृति आई, क्योंकि जो पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति थी वो मानवतावाद, राष्ट्रवाद, तर्कवाद, विज्ञानवाद जैसे विचारों पर आधारित थी, और पाश्चात्य शिक्षा संस्कृति के संपर्क में आने से भारतीयों में धीरे धीरे जागृति आने लगी। बहुत से भारतीय बुद्धिजीवी इसके बाद सामने आने लगे। भारतीय बुद्धिजीवियों ने क्या किया कि पाश्चात्य संस्कृति और भारतीय संस्कृति का तुलनात्मक अध्ययन करना प्रारंभ किया, समझने का प्रयास किया कि कैसे पाश्चात्य संस्कृति का भारतीय संस्कृति पर राज हो गया। उन्होंने दोनों संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन किया, और इस तरह से भारतीय समाज में व्याप्त कुप्रथाओं और अंधविश्वासों का उजागर करने लगे। भारतीय समाज में जो ढोंग, अंधविश्वास और कुप्रथाएं थी, उस ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया और उसे लोगों के सामने उजागर करने का प्रयास किया। मैकाले के प्रस्ताव के बाद, मैकाले का जो शिक्षा प्रस्ताव था, उसके बाद भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का अनिवार्य माध्यम बना दिया गया। शिक्षा को, अंग्रेजी शिक्षा को अनिवार्य माध्यम बनाए जाने के पश्चात भारत में एक ऐसे पढ़े लिखे वर्ग का उदय हुआ जो कि अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त करके बड़ा हुआ था। ऐसे पढ़े लिखे वर्ग ने पाश्चात्य साहित्य का खूब अध्ययन किया। पाश्चात्य साहित्य का अध्ययन करने से भारतीय समाज की कमजोरियां उसे दिखाई देने लगी। परिणाम स्वरूप अंग्रेजी पढ़ा लिखा वर्ग भी भारतीय समाज की कमियों को धीरे धीरे उजागर करने लगा और उस ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। अंग्रेजों के आने के बाद 1813 में ईसाई मिश्रियों को भारत में आने की छूट मिली। 1813 में जब ईसाई मिश्रियां आई तो उन्होंने भारतीय समाज में जो अंधविश्वास था, जो कुरीतियां थी, जो अमानवीय क्रूर प्रथाएं थी, उस ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। इन प्रथाओं की उन्होंने निंदा की और इसे दूर किए जाने की वकालत की। तो कहीं न कहीं से ब्रिटिश राज के आक्रमण से कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़े, तो कहीं न कहीं से सकारात्मक प्रभाव भी पड़े, क्योंकि उनके आने से जो संस्थाएं शिक्षा संस्कृति, पाश्चात्य की शिक्षा संस्कृति आई, कुछ ईसाई मिश्रियां आई, उन्हीं के प्रभाव से भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार हुआ। अंग्रेजों के आने से ही भारत में पाश्चात्य साहित्य का अध्ययन किया जाने लगा। अंग्रेजों के आने से ही पश्चिम का तर्कवाद, मानवतावाद, राष्ट्रवाद, विज्ञानवाद वहां के साहित्य के माध्यम से भारत में आया, लोगों द्वारा पढ़ा जाने लगा, और धीरे धीरे लोगों में एक चेतना जगने लगी कि भारतीय समाज में जो समस्याएं हैं, इस पर अगर हम बल नहीं देंगे, इसे दूर करने का प्रयास नहीं करेंगे, तो भारत और धीरे धीरे अंग्रेजी राज के अंतर्गत पिछड़ता चला जाएगा। ठीक है, समाज में जो कुप्रथाएं थी उनमें से अधिकतर स्त्रियों से संबंधित थी। उदाहरण के लिए सती प्रथा एक्ट, सॉरी उदाहरण के लिए सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, बहुपत्नी प्रथा। उन दिनों में एक पुरुष कई पत्नियां रख सकता था, दो या तीन। ये बहुपत्नी प्रथा मुसलमानों में भी व्याप्त थी, हिंदुओं में भी व्याप्त थी, और अधिकतर पत्नियां काफी छोटी उम्र की होती थी उनकी, यानी अपने भले ही 50 के हो गए हों, लेकिन उनकी पत्नी 18-20 की होनी चाहिए। तो चूंकि अभिभावकों में जागरूकता नहीं थी, इसलिए उनकी कन्याओं के साथ अन्याय हो जाता था। सबसे पहले हम ध्यान देंगे महिलाओं के खिलाफ, जो कुप्रथाएं महिलाओं के खिलाफ थी, सबसे पहले हम उन पर बल देते हैं। यानी सबसे पहले हम सती प्रथा के विरोध में जो आंदोलन हुआ, विधवा प्रथा के विरोध में जो आंदोलन हुआ, और बाल विवाह के विरोध में जो आंदोलन हुआ, सबसे पहले उस पर बल देंगे, फिर बाकी चीजें हम पढ़ लेंगे। महिलाओं के खिलाफ जो कुप्रथाएं थी और महिलाओं की जो दयनीय स्थिति थी, उस पर हम सबसे पहले बात करते थे। 18वीं और 19वीं शताब्दी में जो महिलाओं की स्थिति काफी शोचनीय थी, यहां तक कि समाज में अधिकतर जो कुप्रथाएं थी वो महिलाओं के ही खिलाफ थी।
यानी महिलाओं से भेदभाव का एक तरह से परिणाम थी। महिलाओं की अपनी कोई स्वतंत्र पहचान नहीं होती थी। महिलाएं केवल एक माता, बहन, पत्नी के रूप में ही जानी जाती थी, एक व्यक्तित्व के रूप में उनकी पूजा नहीं की जाती थी। यही रीजन है कि तब से लेकर आज तक परंपरा है कि अधिकतर निरक्षर परिवारों में महिलाओं का टाइटल देवी होता है, यानी जब तक कोई माँ है, बहन है, पत्नी है, और जब तक बात मान रही है तब तक वो देवी है, और जैसे ही वो शिक्षित होकर अपने अधिकारों की बात करेंगी उसे देवी के दर्जा छीन लिया जाता था, यानी उस जमाने में ऐसी सोच थी। तो महिलाओं की अपनी कोई स्वतंत्र पहचान नहीं थी। महिलाओं को उपभोग की वस्तु माना जाता था। माना जाता था कि जब इन्हें पुरुषों की सेवा करने के लिए इनका जन्म हुआ है तो ये पढ़ लिख कर करेंगे क्या, यानी महिलाओं को शिक्षा से भी रोका जाता था। महिलाओं के खिलाफ इतना भेदभाव था कि उनकी जो योग्यता थी, उनकी जो बुद्धिजीविता थी और उनकी योग्यता और उनकी पहचान पर्दे के पीछे सती प्रथा, पर्दा प्रथा और बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं में उनकी योग्यता दबकर रह गई थी। जब इतनी कुप्रथाएं उनके खिलाफ है तो उनकी योग्यता उभरने का अवसर नहीं मिल पाएगा। तो महिलाओं की दयनीय स्थिति के खिलाफ जो आंदोलन हुए, और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय समाज सुधारकों ने महिलाओं की स्थिति या अन्य कुप्रथाओं को दूर करने के लिए जो प्रयास किया, महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए अन्य जो प्रयास किया, उसमें सरकार ने भी उनका सहयोग किया। अंग्रेजी सरकार ने भी उनका सहयोग किया, कानून बनाकर सहयोग किया अंग्रेजी सरकार ने। परिणामस्वरूप कई कानून इन कुप्रथाओं के खिलाफ, कई कानून अस्तित्व में आए। अंग्रेजी सरकार का मकसद क्या था कि भारतीय समाज में सुधार करके उसे पाश्चात्य समाज के अनुकूल बना देना, ताकि ब्रिटिश राज्य यहाँ पे सुचारू ढंग से चलता रहे, है ना, इसमें अंग्रेजों का भी हित था। सती प्रथा एक्ट, सती प्रथा के खिलाफ सबसे जबरदस्त आंदोलन राजा राम मोहन राय ने चलाया। राजा राम मोहन राय के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप ही 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक सरकार ने सती प्रथा एक्ट पारित किया। सती प्रथा एक्ट के नियम 17 द्वारा, यहाँ लिखा है नियम 17 द्वारा सती प्रथा को हत्या के समान अपराध घोषित किया गया, यानी किसी स्त्री को यदि कोई पुरुष विधवा हो जाने पर, सती होने पर विवश करता है तो उसे हत्या के समान दोषी करार दिया जाएगा। सबसे पहले ये 1829 में बंगाल में लागू होता है, उसके बाद 1830 में सती प्रथा एक्ट मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी में लागू होता है, बंबई प्रेसिडेंसी। राधा कांत देव एक परंपरागत विचारों वाले व्यक्ति थे। राधा कांत देव नहीं चाहते थे कि अंग्रेज लोग हमारे समाज और हमारे प्रथाओं में हस्तक्षेप करें, इसलिए सती प्रथा एक्ट का विरोध करने के लिए, यानी नियम 17 का विरोध करने के लिए राधा कांत देव ने 1830 में एक संस्था की स्थापना की, उसका नाम था धर्म सभा। ठीक है, महिलाओं के खिलाफ अगली कुप्रथा विधवा पुनर्विवाह। 18वीं और 19वीं शताब्दी के समाज में विधवाओं की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई थी कई कारणों से। एक तो महिलाओं का कम ही उम्र में 12, 13, 14, 15 साल में विवाह कर दिया जाता था। कभी कभी तो पैदा होते ही 5-6 साल की उम्र में उनका विवाह कर दिया जाता था कि बाद में इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा, इससे पहले कि बड़ी होती हमारी लड़की मेरा नाक कटा दे इसको पहले ही विवाह करके ससुराल में भेज दो, ताकि अपनी इज्जत पूरी तरह से अपने हाथों में सुरक्षित रहे। तो समाज की ऐसी मानसिकता थी। तो जब कम उम्र में विवाह किया जाएगा तो विधवा होने की संभावना, यानी प्रत्याशा विधवा होने की, ऐसे ही बढ़ जाती है। दूसरे, जब ब्रिटिश राज्य भारत में अपना साम्राज्य विस्तार कर रही थी और तमाम भारतीय राज्यों को विजित करती जा रही थी, तो भारतीय राज्यों के वे सैनिक जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, उन सैनिकों की जब मौत होती, मृत्यु हो जाती थी, तो परिणामस्वरूप उनकी पत्नियां विधवा होती जाती थी। परिणामस्वरूप अंग्रेजी राज्य का जैसे जैसे विस्तार होता गया, भारतीय समाज में विधवाओं की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ती गई। आम रूप से देखा जाता था कि महिलाएं घूम रही हैं, उनके सिर पर बाल नहीं है, बाल उनका मतलब मुंडन कर दिया गया है, सफेद साड़ी पहनी हुई है ना, पूरा शरीर ढका हुआ है। सामाजिक समारोह जो होते थे, सादे ब्याह, खान पान, उसमें जाने की उनकी मनाही थी। सादा भोजन ग्रहण करना था, वेदों का अध्ययन करना था, हंसना नहीं था, लिखना पढ़ना नहीं था, तमाम उनके साथ अत्याचार होता था। परिणामस्वरूप विधवाओं, समाज सुधारकों का ध्यान आकर्षित हुआ कि अगर विधवाओं की स्थिति को थोड़ा सुधारना है तो इनका पुनर्विवाह करवाना होगा, वरना भारतीय समाज धीरे धीरे गर्त में ही चला जाएगा। क्यों? क्योंकि महिलाएं समाज का आधा हिस्सा होती हैं, 50%, यानी आधी जनसंख्या महिलाओं की है, और जब आधी जनसंख्या के साथ भेदभाव होगा तो समाज को बचाना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। तो विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए कई व्यक्ति आगे आए और जमकर आंदोलन चलाया।
ऐसे व्यक्तियों में शामिल हैं ईश्वर चंद्र, विद्यासागर, डीके कर्वे और वीरेशलिंगम कुंतलू, यानी विधवा पुनर्विवाह आंदोलन से तीन व्यक्ति जो जुड़े थे वो काफी महत्वपूर्ण हैं, ईश्वर चंद्र, विद्यासागर, डीके कर्वे, वीरेशलिंगम कुंतलू। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कलकत्ता के संस्कृत विश्वविद्यालय या संस्कृत विद्यालय में प्रिंसिपल पद पर थे, कलकत्ता के संस्कृत विद्यालय में प्रिंसिपल पद पर थे। जब ये इस पद पर थे तो इन्होंने सभी जातियों को संस्कृत पढ़ने का अवसर दिया, यानी बहुत शुरू से ये पारदर्शी विचारों के थे। आमतौर पर 18वीं या 19वीं शताब्दी के समाज में निचली जातियों के साथ काफी भेदभाव किया जाता था, उन्हें संस्कृत पढ़ने के काबिल नहीं समझा जाता था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने संस्कृत शिक्षा का द्वार सभी जातियों के लिए खोल दिया। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए 1840 और 1850 के दशक में जमकर आंदोलन चलाया। 1855 में उन्होंने विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दिलवाने के लिए डलहौजी सरकार को एक याचिका सौंपा। डलहौजी सरकार को यानी गवर्नर जनरल उसमें थे 1855 में लॉर्ड डलहौजी, तो इन्होंने विधवा विवाह को, विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दिए जाने के लिए हजारों लोगों से हस्ताक्षर करवाकर एक याचिका डलहौजी सरकार को सौंपा। लॉर्ड डलहौजी के बाद जो गवर्नर जनरल आए उनका नाम है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के आते ही 1857 का विद्रोह हो गया, लेकिन लॉर्ड कैनिंग ने भारत में आते ही विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित करवा दिया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? 26 जुलाई 1856 को पारित हुआ। इसमें नियम 15 जिस तरह से सती प्रथा एक्ट में नियम 17 द्वारा प्रतिबंधित किया गया था, उसी तरह से विधवा पुनर्विवाह को नियम 15 द्वारा कानूनी मान्यता दी गई। नियम 15 द्वारा यानी अब विधवा पुनर्विवाह को कानूनी समर्थन मिल गया, इसका विरोध करने वालों को जेल की सजा होगी। इसके बाद हम पढ़ते हैं डीके कर्वे को। डीके कर्वे पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज के प्राचार्य थे, फर्ग्यूसन कॉलेज है पुणे में आज भी, वहां पे प्राध्यापक थे। 1893 में ये मतलब स्वयं विधुर हो चुके थे, इनकी पत्नी का देहावसान हो गया था, तो स्वयं विधुर होने पर इन्होंने स्वयं एक विधवा ब्राह्मणी स्त्री से विवाह किया। कब किया था? 1893 में इन्होंने एक विधवा ब्राह्मणी से विवाह किया था। सवाल पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से किस विधवा पुनर्विवाह समर्थक नेता ने स्वयं एक विधवा ब्राह्मणी से विवाह किया? डीके कर्वे ने किया था, 1893 में किया था। 1899 में इन्होंने विडो होम की स्थापना की, यानी विधवा आश्रम की स्थापना की। कहां की? पुणे में। यहां पर महिलाओं को पढ़ा लिखा कर उन्हें जीविकोपार्जन के लिए समर्थ बनाया जाता था। जो विधवाएं थीं, उन्हें पढ़ा लिखा कर जीविकोपार्जन में समर्थ बनाया जाता था। यहां से कई ऐसी विधवाएं थीं जो कि पढ़े लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर और नर्स बनने के काबिल बनी। इसके बाद 1906 में इन्होंने मुंबई में, यानी महिलाओं की स्थिति को उन्नत करना था तो केवल विधवाओं का पुनर्विवाह कराने से काम नहीं चलेगा, महिलाओं को पढ़ाना लिखाना भी होगा, क्योंकि जब तक महिला पढ़ेगी लिखेगी नहीं अपने अधिकारों के प्रति वो जागरूक और सचेत कैसे होगी? बचपन में उसका विवाह कर दिया जाएगा, वो विरोध भी नहीं कर पाएगी। तो महिलाओं को पढ़ाना लिखाना बड़ा जरूरी था। बहुत से विद्यालय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कई बालिका विद्यालयों की स्थापना की, आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। डीके कर्वे ने मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, भारतीय महिला विश्वविद्यालय प्रथम स्थापना की। इसके बाद वीरेशलिंगम कुंतलू दक्षिण भारत में विधवा पुनर्विवाह आंदोलन से समर्थित संबंधित थे। कहां पे? दक्षिण भारत में, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में थे ये। बाल विवाह निषेध, बालिकाओं, विशेष रूप से समस्या बालकों का विवाह नहीं था, बालिकाओं का जो कम उम्र में विवाह किया जाता था वो समाज के लिए विशेष समस्या बना हुआ था। आमतौर पर बालिकाओं का विवाह कम उम्र में ही किसी अधिक उम्र के पुरुष के साथ कर दिया जाता था, जिससे उनका जीवन ऐसे ही नरकी था। दूसरा नकारात्मक पहलू ये था कि एक ही पुरुष कई बालिकाओं से विवाह कर लेता था, जिससे उनकी जिंदगी और नरक में चली जाती थी। तो महिलाओं का यानी कन्याओं का बचपन में विवाह रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने समय समय पर सहयोग दिया और कानून बनाया। ऐसे तीन कानून उल्लेखनीय है जो कि बालिकाओं का विवाह होने से रोकने के लिए बने। कौन कौन से हैं? नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में बना, सम्मति आयु अधिनियम 1892 में बना, शारदा अधिनियम 1829 में बना। खूब सवाल इस पूरे एरिया से पूछे जाते हैं। नेटिव मैरिज एक्ट जो कि 1872 में पारित हुआ था, ये सब कानून ब्रिटिश सरकार पारित करवा रही थी, जो शासन में होगा वही तो पारित करेगा ना। तो इसके तहत लड़की की विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़के का 18 वर्ष कर दिया गया। सम्मति आयु अधिनियम 1892 में पारित हुआ। सम्मति आयु अधिनियम एक प्रमुख समाज सुधारक थे, बीएम मालाबारी। बीएम मालाबारी मतलब
बहरामजी मालाबारी, बी मालाबारी, ठीक है, बहरामजी मालाबारी ये समाज सुधारक थे, महाराष्ट्र क्षेत्र के थे और ये पारसी समुदाय से आते थे, है ना, पारसी समुदाय के थे। इन्हीं के प्रयासों से सम्मति आयु अधिनियम पारित हुआ। सम्मति आयु अधिनियम द्वारा लड़कियों की विवाह के लिए न्यूनतम आयु 12 वर्ष निर्धारित की गई, क्योंकि ये जो कानून बना था लोग उसका पालन नहीं कर रहे थे, तो इसलिए थोड़ी छूट दी गई, थोड़ी ढील दे दी गई कि ठीक है 14 मतलब 12 से नीचे आप उनका विवाह नहीं कर सकते, ठीक है। तो न्यूनतम आयु 12 वर्ष निर्धारित की गई। बाल गंगाधर तिलक ने सम्मति आयु अधिनियम का विरोध किया। अगर आपसे कभी कभी कथन दिया जाता है, कथन में लिखा जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने बालिकाओं के विवाह के विरोध में, यानी बाल विवाह के विरोध में आंदोलन चलाया, बाल गंगाधर तिलक ने बाल विवाह के विरोध में आंदोलन चलाया, ये सेंटेंस सही है या गलत? गलत है, क्योंकि इन्होंने ऐसे कानून का विरोध किया। बाल गंगाधर तिलक ने क्यों विरोध किया? क्योंकि वही कि अंग्रेजों को भारतीय समाज में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, हम अपनी समस्याओं से स्वयं निपटेंगे, सिंपल सी बात है। इस आधार पर इन्होंने विरोध किया था, बाल गंगाधर तिलक ने, सब पूछा जाता है, ये कोई जीएस में पूछा जा चुका है। राधाकांत देव ने इसके विरोध में जो धर्म सभा की स्थापना की, ये भी बार बार पूछा जाता है, सब पूछा जाता है। इसके बाद शारदा अधिनियम, एक प्रमुख शिक्षाविद थे, इनका नाम था हरविलास शारदा, एक प्रमुख शिक्षाविद थे 1930 के दशक में, 1920 के दशक में, नाम था हरविलास शारदा। हरविलास शारदा के प्रयत्नों से ब्रिटिश सरकार ने एक बाल विवाह निषेध अधिनियम बनाया, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929। इस अधिनियम को इन्हीं के नाम पर क्या कहा गया? शारदा अधिनियम कहा गया, ठीक है, बाल विवाह निषेध अधिनियम था। इसके तहत फिर वही वाली व्यवस्था की गई, पहले वाली लड़की की उम्र की न्यूनतम आयु 14 वर्ष, यानी इससे कम के अगर विवाह करेंगे और मामला सरकार के संज्ञान में आता है तो आप पर मुकदमा चला जाएगा। लड़की की आयु 14 वर्ष और लड़के की न्यूनतम विवाह की आयु 18 वर्ष तय कर दी गई। ये है प्रमुख समाज सुधारकों के समाज सुधार की दिशा में किए गए प्रयास, और उन प्रयासों को समर्थन देते हुए, कानूनी समर्थन प्रदान करते हुए ब्रिटिश सरकार के प्रयास, है ना। तो ब्रिटिश सरकार ने तमाम कानूनी समर्थन प्रदान किया 19वीं शताब्दी के समाज सुधार आंदोलकों को, ठीक है। इसके बाद अब हम अगला चैप्टर होगा सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष, यानी 19वीं शताब्दी में जो सुधार आंदोलन चला उसका कौन कौन सा सकारात्मक पक्ष था, कौन कौन सा नकारात्मक, क्योंकि कारण कथन वाला जो पोर्शन होता है ना प्रश्न का, कथन कारण या फिर 4 सेंटेंस बना दिया जाएगा, वहां पर सकारात्मक प्रभाव नकारात्मक प्रभाव काम देते हैं, इसलिए उसे भी आप ढंग से पढ़ लीजिएगा। कुल मिला जुलाकर मैं जितने भी वीडियो आपको देता जाऊं उसे आपको दिल लगाकर, मन लगाकर ध्यान से पढ़ के नोट्स बनाते जाना है, धीरे धीरे से ही, लेकिन काम ठोस होगा, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, ठीक है। ललो चप्पू कुछ भी पढ़ाना हो तो मैं दिन भर में 4 क्लास ले लूं, लेकिन मजा ही नहीं आएगा फिर, ऐसे पढ़ने से फायदा क्या, ठीक है। तो आप लोग कमेंट जरूर करिए, कमेंट नहीं रुकने चाहिए, मैंने पहले भी कहा कि अगर आपके कमेंट कम आएंगे तो मुझे ऊर्जा नहीं मिल पाएगी, आपको कमेंट करना ही होगा अगर आप मुझे अपना शिक्षक और गुरु मानते हैं। नमस्कार, ख्याल रखिए।